रूस ने यूक्रेन के दक्षिण तटीय शहर मारियुपोल पर हमले तेज कर दिए हैं। मंगलवार को हुए दो शक्तिशाली बमों के हमले से मारियुपोल दहल उठा। ये हमले इंडस्ट्रियल एरिया पर हुए, हालांकि हमले में कितने लोग मारे गए इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मारियुपोल पर फाइनल कब्जे के लिए रूस ने सोमवार को डेडलाइन दी थी, जो खत्म हो गई। वहीं यूक्रेन ने सरेंडर से इनकार कर दिया। इसके बाद यहां स्ट्रीट फाइटिंग भी तेज हो गई। वहीं मंगलवार को इटली के सांसद को दिए संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि रूसी बमबारी के बाद इस शहर में अब कुछ भी नहीं बचा। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया रूसी सेना को मारियुपोल शहर में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे इसे जमींदोज करना चाहते हैं और रक्त में तब्दील करना चाहते हैं। मारियुपोल में फंसे लोग कई दिनों से बिजली और पानी के बिना जीने को मजबूर हैं। रूसी सैनिकों ने 1 मार्च को 4.5 लाख की आबादी वाले मारियुपोल की घेराबंदी की। हमले के बाद अब तक करीब 2.5 लाख शहर छोड़कर जा चुके हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ इसे रोकने के प्रयास तुर्की इन प्रयासों में अभी सबसे आगे नजर आ रहा है। बीते 2 सप्ताह में तुर्की ने कूटनीतिक स्तर पर संकट के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया और दावा किया यूक्रेन और रूस समझौते के करीब पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार बहुत बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। 25 से 28 मार्च को संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान के पूर्व एडवाइजर शहजाद अकबर, चीफ सेक्रेटरी आजम खान और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद मुल्क। अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान की वजह से बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए। ओक्लाहोमा शहर में तूफानी हवा चलने से सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां तक पलट गईं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसराइल में इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी ने चाकू से 4 लोगों को मार डाला, 5 लोग घायल हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमलावर शायद कुछ और लोगों की जान लेता, लेकिन वहां मौजूद एक इसराइली नागरिक ने उसका मुकाबला किया, उससे सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने हमलावर को गोली मार दी। रूस और यूक्रेन जंग मामले में भारत का रुख कब तक इस मामले में तटस्थ रहा है? उसने दोनों देशों से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने को कहा, लेकिन किसी भी पक्ष को गलत नहीं ठहराया या उसकी निंदा नहीं की। भारत के रुख से अमेरिका परेशान। न्यूजीलैंड ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, हम चाहते हैं कि 4 देशों के संगठन क्वाड का सदस्य होने के नाते भारत रूस के मामले में नीति बदलेगा। हम जानते हैं कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अब वक्त बदल गया है और अमेरिका भी डिफेंस पार्टनर। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहां जरूरी चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। डीजल पेट्रोल गैस के मामले में स्थिति कुछ ज्यादा गंभीर हो चुकी है। पेट्रोल डीजल खरीदने के चक्कर में कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहां अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि श्रीलंका की सरकार ने पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर सेना तैनात करने का फैसला लिया। श्रीलंका में न सिर्फ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े बल्कि इनकी किल्लत भी हो गई। इसके चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हजारों लोग घंटों तक कतार में खड़े होकर तेल खरीद रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर दोनों देशों पर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन में लोग जान बचाने के लिए देश छोड़ रहे हैं। वहीं रूस में प्रतिबंधों के चलते महंगाई तेजी से बढ़ी है। रूस में शक्कर के दाम 31% तक बढ़ गए हैं। कई स्टोर्स में शक्कर खरीदी की लिमिट तय कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते रूस में कई और प्रोडक्ट भी लगातार महंगे हो रहे हैं। देश में कार, घरेलू सामानों के साथ टेलीविजन जैसे दूसरे देशों से मंगाए जाने वाले सामान भी काफी महंगे हो गए हैं। सरकार बढ़ती कीमतें रोकने में अब तक नाकाम रही है। देश में महंगाई दर 7 साल में सबसे ज्यादा। ताइवान में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.9 मापी गई। अभी तक भूकंप के कारण किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं। इससे पहले जनवरी में ताइवान के उत्तरी भाग में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे।
इस्लामिक देशों के संगठन OIC के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के PM इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। इमरान ने कहा, भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया क्योंकि उसे हमारी तरफ से किसी तरह का दबाव महसूस नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत ऑस्ट्रेलिया के दूसरे वर्चुअल शिखर सम्मेलन में रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ यूरोप में हो रहा है, जैसी स्थिति यूक्रेन की है, वैसा कुछ भी इंडो पैसिफिक रीजन में नहीं होने देंगे। कर्नाटक के इजाफाबाद में फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट जजों को धमकी देने वाला व्यक्ति आखिरकार पकड़ा गया। कर्नाटक पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत फैसला सुनाने वाली बेंच के तीनों जजों को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी के बाद सभी जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। देश की राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। तहरीके तालिबान के इंडिया स्टील ने दिल्ली में हमले करने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद पूरी दिल्ली में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार देर रात सरोजनी मार्केट समेत कई बाजारों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। भारतीय रेलवे ने दिव्यांग गंभीर बीमारी से पीड़ित लघु छात्रों समेत चार श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के किराए में दी जा रही छूट खत्म कर दी है। इनमें 60 साल की अधिक उम्र के बुजुर्गों को दी जा रही 50% की छूट भी शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि टिकट में छूट देने से रेलवे पर भारी लागत पड़ती है, इसलिए सीनियर सिटीजन समेत सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए फिलहाल समय है। लद्दाख में बुधवार की देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी को देश दुनिया में नई पहचान मिलेगी। इसी मकसद से इंडिया पोस्ट ने पोस्टल मार्क जारी किया। इसमें दुनिया के सबसे पुराने गुम्फाओं में शुमार ताबो और की गोपा, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक किम डाकघर और चिचिम पुल को दर्शाया गया है। पोस्टल मार्क के जरिए घाटी के चार प्रमुख स्थल दुनिया भर में। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। लगातार दूसरे साल भारतीय राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे नंबर पर, अफ्रीकी देश चार की राजधानी नजामेना तीसरे, तजाकिस्तान का दुशांबे चौथे और ओमान का मस्कट पांचवें नंबर पर है। दुनिया के 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर सेंट्रल दक्षिण एशिया में। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी स्टेट में दो लाशें मिली हैं। दोनों डेड बॉडी एक नाले से मिली हैं। DCP नई दिल्ली अमृता गुगलोट के मुताबिक पहली नजर में ये हत्या का मामला लग रहा है। FIR दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच जारी है। इससे पहली खबर सामने आई थी कि सीवर की सफाई के दौरान डूबने से वो सफाई कर। श्रीनगर के सौरा इलाके में मंगलवार को पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिसकर्मी की पहचान आमिर हुसैन लून के रूप में हुई है। मुठभेड़ में एक आतंकी भी घायल हुआ। पुलिस के मुताबिक आतंकी लश्कर ए तैयबा संगठन से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पटानकर से जुड़े पुष्पक ग्रुप पर ED ने कार्रवाई की। ED ने मंगलवार को ठाणे की नीलामरी परियोजना में बने 11 आवासीय फ्लैट को सीज किया। ED के इस कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र में फिर एक बार केंद्र और महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच सेंट्रल एजेंसीज के इस्तेमाल को लेकर बहस शुरू हो रही है। लोकसभा में केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने 8 सीटर तक के व्हीकल्स में 6 एयरबैग होने जरूरी कर दिए हैं। इससे ऑटोमोबाइल उद्योग ने खर्च बढ़ने की शिकायत की लेकिन हम गरीब उपभोक्ताओं के जीवन की कीमत पर अमीरों को सुरक्षा नहीं दे सकते। दिल्ली में अब तीनों नगर निगम होंगे एक होंगे। मोदी कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर लगा दी। माना जा रहा है अब इसी हफ्ते ये बिल संसद में लाया जाएगा। बिल पास होने के बाद दिल्ली में तीन की जगह सिर्फ एक मेयर होगा। अभी दिल्ली में साउथ दिल्ली नगर निगम, नॉर्थ दिल्ली नगर निगम और ईस्ट दिल्ली नगर निगम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मेरी स्थिति जो राष्ट्रीय हितों को दर्शाती है कांग्रेस से मैच नहीं करती। पार्टी जमीनी हकीकत से अलग है। बंगाल
बंगाल के बीरभूम में तृणमूल नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 10 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भागुती गांव में भाटू शेख के डिप्टी प्रधान की मदद के बाद हिंसा भड़की। इसके बाद भीड़ ने घरों में आगजनी की और इस दौरान 10 लोग जिंदा चल गए। एक ही घर से 7 लाशें मिली। ताजनगरी आगरा में जिम्मेदारों की लापरवाही से आम जनता परेशान है। शहर में फैल रही गंदगी से लोगों में खासा आक्रोश है। आगरा नगर निगम के खिलाफ वार्ड 18 के पार्षद से गुस्साए लोगों ने सैनिटरी इंस्पेक्टर कार्यालय में कूड़ा डालकर कार्यालय को कूड़ा घर में तब्दील कर दिया। बिजनौर की नगीना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर तूकमापुर गांव के जंगल में गौकशी की सूचना पर कार्रवाई की और मोटरसाइकिल पर सवार दो आरोपियों को मांस और अन्य सामग्री सहित गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अभी 3 साथी फरार बताए जा रहे हैं। बिजनौर पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र में नवनिर्मित लाइब्रेरी कक्ष, पुराने लाइब्रेरी कक्ष का मंडलायुक्त ने किया जीर्णोद्धार कराया। बिजनौर पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र का नाम परिवर्तित कर बिजनौर के और देश के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार के नाम पर रखा गया। दुष्यंत कुमार के नाम पर पुस्तकालय का नाम पड़ने से जिले के साहित्यकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। दतिया जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अशोक दांगी बग्दा के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर उनका फूल माला पहनाकर हर्ष व्यक्त किया। जिलाध्यक्ष ने केक काटकर और लड्डू मिष्ठान वितरित कर सभी कार्यकर्ताओं को खिलाकर आभार व्यक्त किया। देवास में आबकारी विभाग ने कलेक्टर चंद्रमाली शुक्ला के निर्देश पर रंगपंचमी ड्राई डे पर भवानी सागर में कुल 110 पाव देशी वरद्रा के साथ एक बिना नंबर के एक्टिवा को जब्त किया। वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गए, जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश की जा रही है। एटा में एमएलए चुनाव को लेकर 2 दिन से चल रही हंगामेदार स्थिति के बीच जिला प्रशासन ने सपा के दोनों प्रत्याशियों के शपथ पत्रों में कमी बताते हुए नामांकन पत्रों को निरस्त किया। इसके साथ भाजपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश शिव सिंह और आशीष यादव का निर्विरोध चुना जाना माना जा रहा है। जिला अस्पताल हरिद्वार में एक मरीज की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने से हड़कंप मच गया। मरीज का शव जिला अस्पताल में शौचालय में मिला। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का जिला अस्पताल में हंगामा किया। चिकित्सकों का कहना है मरीज की मौत हार्ट अटैक से हुई। वहीं चिकित्सकों के समझाने के बाद परिजन शव लेकर लौट गए। हरिद्वार में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अफाक ने पंचायत चुनाव के विभिन्न मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा जिला पंचायत क्षेत्र के परिसीमन और आरक्षण के अलावा जनवरी 2022 के क्षेत्र में चुनाव वोटर बने हैं या जिन वोटरों की मृत्यु हो चुकी है उनका सत्यापन घर घर जाकर कराया जाए और जाँच की जाए। झांसी के पंडित दीनदयाल सभागार में जल संरक्षण और रखरखाव को लेकर परमार्थ समाज सेवी संस्था बुंदेलखंड जल संरक्षण समिति द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें पानी को बचाने के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने लोगों से पानी बचाने की अपील की। खीरी के तिकुनिया कोडियाला घाट गुरुद्वारे में किसान महापंचायत हुई, जिसमें काफी तादाद में किसानों के साथ चढ़ूनी गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल हुए। उन्होंने लखीमपुर हिंसाकांड की गवाह दिलजोत पर हमले और आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत सहित कई मुद्दों पर चर्चा की और कहा संयुक्त किसान मोर्चा अपनी मांगों को लेकर 12 मई को लखीमपुर धरना प्रदर्शन करेगा। हरिद्वार के लक्सर के भिकमपुर गांव में नवनिर्वाचित बसपा विधायक मोहम्मद सहजवाद का स्वागत किया। बसपा नेता शिवदत्त शर्मा की अगुवाई में बसपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने फूल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा लक्ष्य क्षेत्र की जनता ने उन पर विश्वास जताया, जनता को मिलने नहीं देंगे। यूपी के ललितपुर में सदर कुतवाली पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया। सदर कुतवाली में सीओ फुलचंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया मौके से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मनेन्द्रगढ़ में मरीजों में खून की जरूरत को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा, जिसमें लायंस क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर ब्लड डोनेट किया। साथ ही शिविर के दौरान आम लोगों ने भी जनहित में ब्लड दान किया। लायंस क्लब द्वारा ब्लड डोनेट का अभियान चलाकर अब तक 3500 यूनिट ब्लड अब तक
मलाघाट के किन्नापुर के भालवा मोहगांव खुर्द और शारद के तीन युवा यूपी में बीजेपी की सरकार बनने का संकल्प पूरा होने पर साइकिल से दिल्ली तक अपनी संकल्प यात्रा पर निकले हैं। 8 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होकर 21 अप्रैल को भारत के यशस्वी पीएम मोदी से मिलेंगे। नगर में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा स्वास्थ्य आंदोलन चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए नेपानगर के गायत्री परिवार नेपानगर द्वारा गायत्री मंदिर में 5 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। संचालन देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से शिक्षा प्राप्त एवं श्री राम गुरुकुल आश्रम के प्रधानाचार्य सुरेश चौधरी के मार्गदर्शन में चिकित्सा की जा रही है। मध्य रेलवे के जीएम अनिल कुमार लाहौटी का विशेष ट्रेन से पांडे में आगमन हुआ, जहाँ उन्होंने स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसके लिए मुंबई से जीएम के साथ उनका सैकड़ों का दल पांडुना पहुंचा और कामों का जायजा लिया। पांडुना में मंगलवार शाम संतुष्टि माताबार निवासी एक युवक निजी कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक युवक काफी दिनों से परेशान चल रहा था, जिस कारण उसने कदम उठाया। वहीं पुलिस मार्ग कायम कर जांच कर रही है। शादी के मौके पर बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां प्रतिबंधित होने के बावजूद भी बार बालाओं का डांस चला और पुलिस की भनक लग गई। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मचा, वहीं पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए मामले की जानकारी न होने की बात कही। अशोकनगर जिले के करीला धाम में रंग पंचमी पर लगने वाले प्रदेश के सबसे बड़े मेले में आस्था का जनसैलाब उमड़ा, वाहनों की कतार लग गई। वहीं पहुंच मार्ग पर 3 से 4 किलोमीटर दूर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होने से हजारों श्रद्धालुओं को पहाड़ी के ऊपर से निकलकर करीला पहुंचना पड़ा। ट्रस्ट के मुताबिक मंगलवार रात 9 बजे तक करीब 20 लाख श्रद्धालु करीला पहुंचे। रांची के चिरूडीही गोलीकांड मामले में कांग्रेस विधायक के माता पिता दोषी करार हैं, वहीं भाई को बरी कर दिया गया। आरोपी पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को झारखंड के बहुचर्चित बड़का गांव गोलीकांड मामले में दोषी करार दिया गया। इनकी सजा के मामले पर कोर्ट 24 मार्च को फैसला सुनाएगी। ग्रामोदय स्पोर्ट्स क्लब द्वारा स्वर्गीय राजा राजीव राव साहब की पुण्य स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, जहां उद्घाटन में सतना कलेक्टर एसपी पहुंचे। मैच में कृषि संकाय की टीम ने पहले खेलते हुए गणेश के शानदार 71 रनों की बदौलत 130 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में उतरे एजुकेशन संकाय की टीम ने 110 रन पर सिमट गए और